कुछ एग्जांपल्स ऑफ रोलिंग। अब हम एग्जांपल्स न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं प्योर रोलिंग के। प्योर रोलिंग में यू कैन अप्लाई वी इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा, कोई स्लाइडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। प्योर रोलिंग दो मोशन से बनी हुई है, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी रोलिंग के क्वेश्चन आते हैं उसको तोड़ लिया जाता है दो पार्ट्स में, एक इक्वेशन ट्रांसलेशन की बनती है और दूसरी इक्वेशन रोटेशन की बनती है, उनको मर्ज करके न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। एक बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एक स्फेयर है, इस स्फेयर पे मैंने एफ फोर्स एक्सटर्नल लगाई और स्फेयर रोल करता हुआ आगे गया, प्योर रोलिंग क्वेश्चन में गिवन है। इसके सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन बोलो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो किसी ने कहा बहुत सिंपल है, मैंने कहा कैसे, वो कहता सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होगी टोटल फोर्स बाय टोटल मास। मैंने कहा वो क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा और हम लॉज ऑफ मोशन में करके आए हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास आंसर। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगर ये स्फीयर ना होता, सिलेंडर होता, डिस्क होती, रिंग होती, फिर क्या करता, क्या आंसर सेम रहता? अब उसके हिसाब से आंसर सेम रहता, लेकिन हमें पता है कि शेप मैटर करती है रोलिंग में, तो ये फॉर्मूला यहां पर वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड हुआ ये फॉर्मूला यहां पे? क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, रोल। रोल का मतलब कितनी मोशंस हैं, दो। कौन सी, ट्रांसलेशन एंड, मैंने ट्रांसलेशन की तो लगा दी, रोटेशन को तो देखा ही नहीं मैंने, रोटेशन टॉर्क टू भी जनरेट होते हैं, तो फिर आंसर कहां से सही आना था? तो अगर ट्रांसलेशन की ही इक्वेशन लगानी थी फिर तो ओनली ट्रांसलेशन मोशन हुआ ना, रोलिंग कहां से हुई? तो मेरे को यहां पर दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, एक ट्रांसलेशन की और एक रोटेशन की। ठीक हो गया यहां तक? रूल नंबर टू, फ्रिक्शन के बिना बॉडी रोल नहीं करती, तो फ्रिक्शन तो होगी, ये भी क्लियर है। कौन सी फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक की स्टैटिक? स्टैटिक, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोल, और प्योर रोलिंग में कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक। ये भी क्लियर है यहां तक? स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन, जब ये बॉडी क्लॉकवाइज रोल करेगी इसका लोअर मोस्ट पार्टिकल कहां जाएगा, लेफ्ट, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर कहां एक्ट करेगी, राइट। देखो ना, जो लोअर मोस्ट पार्टिकल है, ये लोअर मोस्ट पार्टिकल है, उसकी टेंडेंसी घूमने की लेफ्ट है, तो फ्रिक्शन कहां पर है, राइट। क्लियर? तो ये फ्रिक्शन किसने लगाई स्फीयर के ऊपर, ग्राउंड ने, तो बदले में स्फीयर ने ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन लगाई एफ, वो तो लॉज ऑफ मोशन में किया करते थे, फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर इसके ऊपर फोर्स लगी तो ग्राउंड के ऊपर भी फोर्स लगी, वो अलग बात है कि ग्राउंड की फोर्स हम करेंगे भी क्या, नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, पर स्फीयर के ऊपर तो फ्रिक्शन कैसे लगी, समझ में आया यहां तक? ठीक हो गया यहां तक? नेक्स्ट, रोलिंग है तो दो इक्वेशन बनेंगी, पहली इक्वेशन किस पे बनेगी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की इक्वेशन किस पे बनती है, अबाउट सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेशन में शेप मैटर नहीं करती, तो ट्रांसलेशन में कौन कौन सी फोर्सेस स्फीयर पे एक्ट कर रही हैं, एक एफ और एक स्मॉल एफ, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या है, एफ प्लस एफ। तो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? ठीक है यहां तक? अगर ये स्लाइडिंग होती ना फिर फ्रिक्शन ऑपोजिट है, लेकिन ये रोलिंग है। रोलिंग का क्या रूल है, ये पार्टिकल जब ऐसे घूमेगा, ये बॉडी ऐसे घूमेगी, तो पार्टिकल की टेंडेंसी लेफ्ट जाने की नहीं है, लेफ्ट ऐसे, तो फ्रिक्शन उल्टा ऐसे। ठीक, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, रोटेशन। रोटेशन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, टॉर्क। टॉर्क देखें, ये देखो इसके ऊपर एफ फोर्स कितना टॉर्क जनरेट करेगा, एफ फोर्स आर, ये एक्सिस है आर इंटू एफ, तो टॉर्क क्या लगेगा, आर इंटू एफ। क्लियर है? ये टॉर्क बॉडी को कैसे घुमाएगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, एक टॉर्क ये एफ पी लगाएगा, कितना लगाएगा, आर इंटू एफ, ये भी आर इंटू एफ, लेकिन ये बॉडी को कैसे घुमाएगा, स्मॉल एफ बॉडी को कैसे घुमाएगा। सोचो अगर मेरा हाथ ये फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन होता और मैं फ्रिक्शन यहां लगा रहा हूं, तो बॉडी कैसे घूमेगी, एंटी
सही है, तो एफ फोर्स क्लॉकवाइज, स्मॉल एफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क में से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को माइनस, और नेट टॉर्क क्या हुआ करता था, आई टाइम्स अल्फा। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब मुझे पता है जब बॉडी प्योर रोल करती है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एप्लीकेबल है और ए इज इक्वल टू आर अल्फा भी एप्लीकेबल है, हमने किया था ये फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज आर अल्फा। तो यहां से अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए बाय आर, तो आप यहां पर अल्फा की जगह ए बाय आर, क्योंकि ए आपको निकालना है, और आई की जगह 2/5 एम आर स्क्वायर। तो यहां से आर से आर से आर कैंसल, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन ट्रांसलेशन की, इक्वेशन नंबर टू रोटेशन की, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें आंसर। तो मेथड क्लियर है कि आंसर कैसे निकलेगा, तो मतलब रोलिंग की प्रॉब्लम सीधे रास्ते से नहीं होने वाली, कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ट्रांसलेशन की इक्वेशन बनेगी और एक प्योर रोटेशन की बनेगी, फिर साइमल्टेनियसली उन्हें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है, मान लो सेम क्वेश्चन आ जाता है और आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं समझ में आई, जैसे आपने कहा फ्रिक्शन मैंने उल्टी ले ली, केस सॉल्व किया मैंने, उन लोगों के लिए जहां फ्रिक्शन नहीं देख पाए कि फ्रिक्शन आगे थी, उन्होंने फ्रिक्शन पीछे ले ली, कोई बात नहीं, अगर फ्रिक्शन पीछे ले ली तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन उनकी उल्टी बन जाएगी, क्या बनेगी, एफ माइनस एफ इज मास इनटू ए, ऊपर क्या आता है एफ प्लस एफ, इसमें क्या बनेगा एफ माइनस एफ, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा टॉर्क, टॉर्क एफ इनटू आर बॉडी को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और स्मॉल एफ अगर फोर्स यहां लगेगी तो भी बॉडी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, तो एफ इनटू आर और एफ इनटू आर दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो कि ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। क्लियर है, तो आई की जगह 2/5 एम आर स्क्वायर क्योंकि स्फीयर है, अल्फा क्या है ए बाय आर। जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आपका आंसर का मैग्नीट्यूड वही आएगा, बस साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो चलो ये अच्छी बात है, अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया और आपका आपकी फ्रिक्शन गलत हो गई तो कम से कम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन या एक्सेलरेशन तो कम से कम आपका सही आएगा आएगा, चलो ये भी सही बात है। हाँ है ये गलत, होना वही चाहिए था जो ऊपर किया, पर मैं बता रहा हूँ कि अगर गलत हो भी गया तो एटलीस्ट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जा रही है तो भी कोई टेंशन नहीं, आपका आंसर सही आने वाला है, ठीक है यहाँ तक, पर हम गलत करेंगे नहीं, हम करेंगे तो सही करेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक पुली गिवन है, एक मास गिवन है और एक सिलेंडर है, हो क्या रहा है, ये मास नीचे आ रहा है, ये सिलेंडर स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है और ये रोल करता हुआ इस तरफ आता जा रहा है, रोल होता हुआ इधर आ रहा है, ठीक है, पुली मासलेस है तो ये रोल करता हुआ आ रहा है तो ये आगे 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 आता जा रहा है, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है सबको, ठीक है यहां तक आगे। तो अब इसका जो लोअर मोस्ट पार्टिकल है, अब जो डिस्कस किया रोलिंग में, लोअर मोस्ट पार्टिकल कहां जाएगा, लेफ्ट जाएगा, तो फ्रिक्शन कैट करेगी राइट, कौन सी, काइनेटिक की स्टैटिक, स्टैटिक क्योंकि क्वेश्चन में प्योर रोलिंग गिवन है और वैसे भी इम्प्योर रोलिंग हम कर ही रहे हैं, हम तो प्योर रोलिंग ही कर रहे हैं, तो स्टैटिक ही स्टैटिक है, तो स्टैटिक के नीचे एफ लिख दिया करो, बात खत्म, क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन है आपको एक्सेलरेशन बतानी है इसकी क्या होगी, तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले एक प्योर रोलिंग का रिजल्ट देखो, क्या किया था, अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग में होती है और उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी होती है तो टॉप की वेलोसिटी क्या होती है 2v और बॉटम की 0। सिमिलरली ये रिजल्ट एक्सेलरेशन पे भी लगता है, अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग में है और उसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन a है तो टॉप की एक्सेलरेशन क्या होगी 2a, डबल हो जाती है और बॉटम की 0, यानी कि यहां की एक्सेलरेशन यहां से डबल है, या ऐसा भी उल्टा भी ट्रू है, अगर यहां एक्सेलरेशन डबल है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन टॉप की एक्सेलरेशन से हाफ है। अब इधर आ जाते हैं, आप मुझे एक आंसर दो कि अगर ये नीचे गिर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए तो ये स्ट्रिंग आगे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी है ए, और बॉडी प्योर रोलिंग में है तो इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या ली जाएगी ए बाय टू। अभी डिस्कस किया हमने प्योर रोलिंग में कि अगर आप मुझे ये दोगे तो मैं डबल कर दूंगा, अगर ये दोगे मैं इसको हाफ कर दूंगा, क्लियर हो गया यहां तक। तो एक ट्रिक है कि अगर यहां की एक्सेलरेशन ये है तो यहां की एक्सेलरेशन रोलिंग में ए बाय टू हो जाएगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, पहली क्वेश्चन ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन की क्वेश्चन कैसे बनेगी,
कॉन्स्टेलेशन की इक्वेशन, हाँ ये सिलेंडर का एग्जांपल दिया हुआ है, जो सिलेंडर है उसका मास 2m है और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन a बाई टू है और टॉप की एक्सेलेरेशन a और ये f है, बता दिया मैंने आपको ये। तो जो छोटा मास m है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी माइनस टी इज एम ए, ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया। और जो सिलेंडर है वो रोल कर रहा है तो उसकी एक इक्वेशन ट्रांसलेशन की, दूसरी इक्वेशन रोटेशन की। ट्रांसलेशन की इक्वेशन किस पे लगती है, सेंटर ऑफ मास पे। तो इस सिलेंडर का मास कितना है 2m और फोर्सेस कौन सी एक्ट कर रही है, एक टी कर रही है और एक एफ कर रही है, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या है, टी प्लस एफ इज मास 2m इनटू एक्सेलेरेशन की जगह a बाय 2। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। और टॉर्क की इक्वेशन बनानी है तो टी टॉर्क कितना टॉर्क जनरेट करेगा, टी टेंशन आर इंटू टी कैसे क्लॉकवाइज, और एफ कितना टॉर्क जनरेट करेगा आर इंटू एफ एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क है, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, नेट टॉर्क क्या है, इन्हें माइनस करके इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर आई का मतलब क्या है, हाफ इंटू एम आर स्क्वायर, मास सिलेंडर का 2m है इंटू आर स्क्वायर, और अल्फा को हम क्या पुट करते हैं, ए क्या होता है आर अल्फा है ना, और बॉडी रोल कर रही है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन कितनी है a बाय 2 इज r अल्फा। तो अल्फा की जगह क्या आएगा a बाय 2r। तो इस अल्फा को यहां पुट करेंगे a बाय 2r, सॉल्व करके एक और इक्वेशन आएगी। तो एक ये थर्ड इक्वेशन है और एक ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, एक फर्स्ट इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्सेलेरेशन कैन बी कैलकुलेट, सॉल्व आप करते रहना कोई दिक्कत नहीं। पर आपको ये समझ में आ रहा है, जब कोई बॉडी रोल करेगी दो किस्म की इक्वेशन बनेगी, एक ट्रांसलेशन की और एक रोटेशन की। ट्रांसलेशन लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व होगा और रोटेशन में टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज होगा। कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir.